महादेव ने तो उसका सर उसके धड़ से विलग किया था, फिर वो पुनः जीवित कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो पिताश्री का क्रोध उसकी शक्ति बन रहा था, इसीलिए पुनर्जीवित हो रहा था ये। किंतु अब तो पिताश्री शांत हैं। जलंधर का वध भी किया उन्होंने, फिर वो कैसे जागृत हो उठा? इसका तो यही अर्थ है कि मात्र पिताश्री का क्रोध ही उनकी शक्ति का स्रोत नहीं, कुछ और भी है जिससे बल पाकर जलंधर सुरक्षित है। और क्या हो सकता है जिससे बल मिल रहा है जलंधर को? जो महादेव के बल को विफल करे, ऐसा बल और किसमें हो सकता है भला? इस रहस्य को शीघ्र ज्ञात करना होगा हमें। कैसे दूर होगा ये संकट? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की युक्ति और महादेव के प्रहारों के बाद भी इसका अंत नहीं हो रहा। नहीं, कुछ तो अनुचित हो रहा है, ये संभव नहीं। मुझसे ही कुछ भूल हो रही है, कुछ तो है जिस पर ध्यान नहीं गया मेरा। किंतु क्या है वो रहस्य जो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ? कोई तो राह होगी, कोई तो समाधान होगा। कुछ तो सुना था मैंने, जब हम कैलाश लौटे थे और पिताश्री ने जलंधर को चुनौती दी थी। हाँ, अवश्य कुछ सुना था उस समय। क्या क्या सुना था गणेश तुमने? आपको कैलाश के निग्रह शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है। बर्जेश, आपको कैलाश के निग्रह शिव के समक्ष नहीं जाना है। जब तक तुम जीवित हो, मेरा कोई वध नहीं कर सकता। वृंदा, 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 तुम्हारे कहने का अर्थ है जलंधर की पत्नी वृंदा? हाँ मामा जी, जलंधर की पत्नी है वृंदा। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वो उनके साथ है, उनका कोई अहित नहीं हो सकता। ये नाम तो मेरे एक भक्त का है। मामा जी की भक्ति? गणेश, जब तक वृंदा जीवित है, जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। वृंदा जी ही जलंधर जी के जीवन का आधार है, किंतु क्यों? ये आपने क्या कहा भ्राता नारायण? जब तक वृंदा जीवित है, जलंधर का अंत नहीं हो सकता। वृंदा के नाम से मुझे उस वरदान का स्मरण हो आया है जो मैंने उसे दिया था। एक समय था जब वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी प्रति वृंदा की अटूट श्रद्धा थी और वो मेरी ही भक्ति में डूबी रहती थी। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिवस मैंने उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरी जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। संसार का कोई मनुष्य, कोई देवता
यहाँ तक कि त्रिदेव भी मेरे पति को मारने में सक्षम ना हो पाए। किंतु पुत्री, तुमने अभी तक तो अपने पति का चुनाव तो किया ही नहीं। मुझे विश्वास है प्रभु कि समय आने पर मेरे स्वामी का चुनाव भी हो ही जाएगा। जब भी वो मेरे समक्ष आएंगे और मुझे भा जाएंगे तो मैं भी उनका चुनाव कर लूंगी, और फिर आपके वरदान से वो सदा मेरे साथ रहेंगे। मेरे जीवित रहते उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तथास्तु। मैं आपसे ये वरदान पाकर धन्य हो गई प्रभु। कल्याण हो पुत्री। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सरल, निष्कपट, पावन हृदय, मेरे प्रति श्रद्धालु, मेरी भक्ति में सदैव डूबी रहने वाली वृंदा ने पति रूप में चुनाव भी किया तो उस दुष्ट असुर जलंधर का विश्वासी नहीं होता। जलंधर की पत्नी वृंदा मामा जी की भक्त, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। असंभव है मेरा अंत। मैंने सुना था तुम त्रिकालदर्शी हो, सब ज्ञात है तुम्हें, किंतु मिथ्या सुना था मैंने, सब मिथ्या है। अंततः मेरे वध के इतने व्यर्थ प्रयास नहीं करते तुम। अभी भी समझ जाओ शिव, समझ जाओ, शरणागत बन जाओ। मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम कितने मूर्ख हो जलंधर, तुम अभी तक नहीं समझे कपट, कुटिलता और दुष्टता कभी भी अमर नहीं होते, उनका अंत तो होकर ही रहता है। अंत करोगे? असंभव को संभव बनाओगे? मिथ्या भगवान। मामा जी, आपकी भक्ति सरल हृदय वृंदा और उस वृंदा में बहुत भेद है। जिससे हमारी भेंट हुई थी वो तो बहुत अभिमानी थी, विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण किए थे उसने। आपकी भक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है मामा जी? कदाचित जलंधर की पत्नी कोई और वृंदा है। नहीं गणेश, वृंदा में आए परिवर्तन का कारण जलंधर ही है। वृंदा के साधारण पुजारिन रूप से, उसकी साधारण वेशभूषा से जलंधर उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बुरे और बुराई को सादगी कभी नहीं भाती। वृंदा मेरी भक्त होकर भी अच्छाई और बुराई में भेद न कर सकी, और उसके हृदय में जलंधर को पाने की कामना बढ़ने लगी। हमारी अनुचित कामनाएं हमें पाप की ओर ले जाती हैं। वही वृंदा के साथ भी हुआ, वो मेरी भक्ति त्याग कर जलंधर की कामना करने लगी। यहां तक कि जलंधर को पाने की लालसा में उसने जलंधर जैसा बनने का निर्णय भी ले लिया। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। और बुराई को बुराई अपनी ओर खींची लेती है। जब वृंदा बुरी बनी तो जलंधर उसकी ओर आकर्षित भी हुआ। वृंदा हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और जब जलंधर को उस वरदान के बारे में ज्ञात हुआ तो वो उसकी ओर और भी लालायित हुआ, और इस प्रकार इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गणेश, जब तक वृंदा जीवित है वो सदा सुहागन रहेगी, अर्थात वृंदा के जीवित रहते जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है।
महादेव अपने चंद्रहास का वार कर रहे हैं, जो जलंधर का अंत करने में अवश्य सक्षम होगा, और इस अंतराल में गणेश उसके अंत का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। अब कुछ करने का समय आ गया है। चंद्रहास में महादेव की विशेष शक्तियां समाहित हैं। ये एक अमोघ अस्त्र है। पुनः प्रयास कर लो। अपना एक खड़क प्रयोग करके देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। ये खड़क तो दिव्य प्रतीत होता है, कहीं उस वृद्ध असुर गुरु का कथन सत्य तो ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं हो सकता मुझे। स्वामी, महादेव के चंद्रहास के वार से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वृंदा को प्राप्त हुआ नारायण का वरदान या महादेव का अस्त्र प्रहार, दोनों ही अकाट्य हैं। अब क्या होगा स्वामी? देवी, जलंधर साधारण असुर नहीं है, महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है और उस नारायण के वरदान से सुरक्षित भी है। कैसे होगा इसका अंत? इतना बड़ा प्रहार क्या शिव ने मेरे बलश्रेष्ठ पर? नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं शेष हूं, मेरे बलश्रेष्ठ को कोई क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। देव का चंद्रहास प्रहार कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। महादेव का प्रहार जलंधर को आघात देगा, किंतु मेरे वरदान की अवमानना नहीं करेंगे महादेव। जलंधर को आहत होने से तो कोई नहीं रोक सकता, किंतु बिना वृंदा का अंत हुए उसका अंत भी कहां संभव है? ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। देव ने चंद्रहास का प्रहार तो अवश्य किया है, किंतु जलंधर रूपी संकट को लेकर मेरा मन अब भी सशंकित है। किंतु ये क्या देख रही हूं मैं? उमा चंबित और चिंतित क्यों हो उठी? महादेव हो तुम? बहुत मूर्ख हो जलंधर, दीपक की लौ बुझने से पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है, उसी प्रकार तुम्हारा पुनर्जीवित होना
उसी लौ के समान है जो शीघ्र बुझने वाली है। ओ मेरी शंका उचित ही थी, संकट टलने में अभी समय शेष है। अपने सबसे प्रचंड अस्त्र का प्रयोग किया शिव ने, लेकिन फिर भी मेरे भशेष जीवित हैं। अब तो प्रमाणित हो चुका कि भगवान है मेरे प्रिय भशेष, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, पर मैं उनकी शक्ति। महादेव का चंद्रहास भी जलंधर कांत नहीं कर पाए। गणेश जी, अब आप ही इसका हल निकालें। समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य होता है देवराज, और इस समस्या को मिटाने का उपाय है वृंदा। अब मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी मुक्ति का समय अब आ गया है, जिसके लिए वो नारायण की भक्ति कर रही थी। किंतु पुत्र गणेश, तुम क्या कहोगे उससे, कैसे समझाओगे उसे? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, जो उचित है वही कहूंगा और वही करूंगा भी। हाँ प्रभु, यदि आप वृंदा जी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो कदाचित मुझे अपना कवच धारण कर लेना चाहिए था। कभी कभी जो कार्य शक्ति नहीं कर सकती वो कार्य युक्ति से हो जाता है मूषक जी, और जहाँ अस्त्र निरर्थक हो जाते हैं वहाँ शब्दों को अस्त्र बनाना पड़ता है। हाँ, इसलिए जो कार्य शांति पूर्वक हो सकता है उसमें युद्ध कदाचित उचित नहीं। प्रभु, अभी तो हम ऋषि अगस्त के क्रोध से रक्षित हुए हैं, और अब आप, मुझे शंका हो रही है, ये कैसे संकट में प्रवेश करवा रहे हैं मुझे? मूषक जी, संकट के भीतर नहीं, उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं हम, जो हमारा कर्तव्य भी है। शंका दूर कीजिए और अपनी गति बढ़ाइए आप। जी प्रभु। कार्य जितना शीघ्र संपन्न हो उतना ही उत्तम होता है मूषक जी, चलिए। जो आ गया प्रभु। नहीं कर सकते। आमरुवा भगवान हूँ मैं। बस अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये शिव चाहे कितनी भी बार मेरे बलश्रेष्ठ का वध क्यों ना कर ले, मेरे बलश्रेष्ठ पुनर्जीवित हो उठेंगे। फिर एक समय आएगा जब ये शिव अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएगा। मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के लिए उनका प्रिय और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। ये कभी भी विजयी होकर लौट सकते हैं। ये तो वही गजमुख बालक है, शिव पुत्र है ये, लेकिन ये यहां कैसे आया, क्या कर रहा है यहां पे? सुनो, रुको, यहां क्या कर रहे हो तुम? रुको तुम सोचो।
यहाँ से ये कैसी ध्वनि आ रही है? चौरे कर्म करने वाला छिपने का कितना भी प्रयास कर ले, अपने चिन्ह छोड़ता ही है। प्रभु, पूर्ण विश्वास है ना आपको? जो लेने आए थे वो मिल गया आपको? हाँ मूषक जी, मैं इसमें कोई भूल नहीं कर सकता। ये तो मैंने जलंधर जी के कक्ष से ही ढूंढ निकाली है। प्रभु प्रभु, एक बार मुझे भी दिखाइए ना। नहीं नहीं मूषक जी, ये तो वो शक्ति है जिससे जलंधर का अंत हो सकता है। अच्छा, भैया ने मुझे बताया था कि जलंधर को नष्ट करने का एकमात्र यही उपाय है। आपको ज्ञात है उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत है ये शक्ति। हम इसे कहीं दूर ले जाकर नष्ट कर देते हैं मूषक जी, और तब उसके पश्चात उधर जलंधर स्वयं को नष्ट कर लेगा। हाँ चलिए मूषक जी। रुको, कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे तुम दोनों? क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? प्रभु, ये तो उचित नहीं हुआ, इन्होंने तो सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? शक्ति? कैसी शक्ति? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे छलने का प्रयास मत करो, मैं सब सुन चुकी हूँ। दिखाओ मुझे वो शक्ति। ये गजमुख अवश्य मेरे साथ कोई छल कर रहा है, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने मुझे किसी ऐसी शक्ति के विषय में नहीं बताया। क्या दिखाओगे तुम? ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। इससे पूर्व में भी जब तुम आए थे तो बहुत उपद्रव किया था तुमने, और अब जब तुम्हारे पिता मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ से पराजित होने वाले हैं, तो तुम कोई बड़ी समस्या खड़ी करने आए हो यहाँ। उचित है वृंदा जी, यदि आपका यही विश्वास है तो यही सत्य होगा। इसलिए जब मैं आपके और जलंधर जी के लिए कोई संकट नहीं, मेरे हाथों में कोई भी अद्भुत शक्ति नहीं, तब तो आपको मुझे निसंकोच लौटने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए मूषक जी। अरे ये तो जा रहा है यहाँ से, कदाचित मुझे देख लेना चाहिए कि इसकी मुष्टि में है क्या। पूर्ण कक्ष में खोजबीन की है उस बालक ने मेरे बलश्रेष्ठ की, कहीं सत्य में तो कुछ नहीं प्राप्त हो गया उसे जिससे कि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को क्षति पहुंच जाए। नहीं नहीं, मुझे रोकना होगा उसे। रुको, वो शक्ति मुझे दो। चलिए चलिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। कदापि नहीं दूंगा, चतुर 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 ज्ञानी, कभी नहीं दूंगा। इस शक्ति को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा मैं, आपको कभी नहीं दूंगा इसे मैं। मेरे पति, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने इस राजभवन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित रखा है, जिसे भेद कर तुम कहीं नहीं जा सकते। वृंदा जी, आप कितनी भोली है, जिस प्रकार यहाँ आए थे उसी प्रकार यहाँ से चले भी जाएंगे। वृंदा जी, जलंधर जी को पराजित करने के लिए मैं शक्ति को आपसे सुरक्षित रखूंगा, ले जाऊंगा यहाँ से, और आप मुझे कुछ नहीं कर सकेंगी। इतनी उद्दंडता तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस शक्ति को यहाँ से लेके जा सकते हो? अभी इसी क्षण लौटो यहाँ। Oh,
वृंदा जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु! इस बार मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। प्रभु, हमें यहां से शीघ्र निकलना चाहिए। मूषक जी, धीरज रखिए, धीरज। पुत्र गणेश, वो सुरक्षित तो है। मैं इस प्रकार निष्क्रिय नहीं रह सकता। कदाचित गणेश को मेरी आवश्यकता है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। रुको कार्तिकेय, गणेश बुद्धि से श्रेष्ठ है, मुझे विश्वास है वो वहां सुरक्षित होगा। गणेश भली भांति जानता है कि वो क्या कर रहा है। कैसी विडंबना है ये, एक और गणेश वृंदा को संभाल रहा है और दूसरी ओर पिताश्री जलंधर से युद्ध कर रहे हैं, और मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूं। करते रहो मुझ पे वार, समय की कमी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। रुको बालक, तुम्हारा अंत करूंगी मैं। इस बार मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। किंतु मैं तुमसे वो शक्ति छीन कर ही रहूंगी और फिर तुमको नष्ट कर दूंगी मैं। चतुर गणेश अंततः वृंदा को उस स्थान तक ले ही आया जहां वो लाना चाहता था। अब देखना है कि वो कैसे जलंधर के अमृतत्व के वरदान को खंडित कर इस संकट को हरता है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। जी प्रभु। प्रभु।
प्रयोग यदि विवेक और चतुराई के साथ किया जाए तो विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है।